हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग भूगोल का टॉपिक देखेंगे और भूगोल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भारत के प्रायद्वीपीय नदियाँ। भारत के प्रायद्वीपीय नदियों से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि भारत की जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उनको कितने भागों में बांटा है और वे कहाँ जाकर गिरती है। तो आइए जरा देखते हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत की जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो दोस्तों दो भागों में बंटी हुई है, एक तो अब अरब सागर में गिरने वाली नदियां और दूसरा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो अब हम लोग देखेंगे कौन सी नदियां अरब सागर में जाकर गिरती हैं और कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये हमने भारत का प्रायद्वीपीय का भाग बनाया है, यानी दक्षिणन भाग, जो दक्षिण का पार्ट है उसको हमने बनाया है और इसी पर हम लोग देखेंगे कि कौन सी नदियां जो है अरब सागर में जाकर गिरती हैं और कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में। तो इधर दोस्तों अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी में है। तो सबसे पहले अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे लूनी नदी। लूनी नदी दोस्तों ये राजस्थान से निकलती है और राजस्थान से होती हुई गुजरात, गुजरात के बाद ये अरब सागर में। उसके बाद एक नदी है दोस्तों जिसकी लंबाई 300 किलोमीटर है और उस नदी का नाम है साबरमती, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है माही नदी। माही नदी को आप जानते ही होंगे कि माही नदी दोस्तों कर्क रेखा को दो बार काटती है और आपको पता है कि भारत में ये आज देख रहे हैं डैश डैश लाइन, कर्क रेखा जो है गुजरती है। तो आपने देखा कि ये माही नदी दो बार किस तरीके से काट रही है। आप देखेंगे पहले ये ऊपर की ओर जाती है फिर ये नीचे की ओर आती है, इसीलिए कहते हैं कि माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। अब उसके बाद एक नदी है दोस्तों जो बहुत ही प्रसिद्ध नदी है, वो है नर्मदा। नर्मदा नदी दोस्तों ये मध्य प्रदेश से निकलती है और इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है और ये भी दोस्तों अरब सागर में ही जाकर गिरती है। अगली नदी देखेंगे तापी नदी। तापी नदी की लंबाई दोस्तों 725 किलोमीटर है और ये भी अरब सागर में जाकर गुजरती है। लेकिन दोस्तों एक चीज आपको नोट करना है कि ये जो लूनी नदी है, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी, ये सभी नदियां दोस्तों गुजरात के तट से होते हुए अरब सागर में गिरती हैं, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि गुजरात के तट जो होता है वहां से ये नदियां आती हैं, मतलब बहते हुए फिर ये अरब सागर में जाकर गिरती हैं। फिर आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ है मांडवी और जुआरी। ये दो नदियाँ दोस्तों गोवा की प्रसिद्ध नदियाँ हैं और ये दोनों नदियाँ गोवा के तट पर ही आकर क्या होती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। फिर उसके नीचे देखेंगे एक है शरावती नदी। ये शरावती नदी दोस्तों कर्नाटक के तट पर आकर अरब सागर में जाकर गिरती है, इसको भी ध्यान रखना है। फिर आप देखेंगे भरतपुजा, पेरियार और पेम्बा, ये भी तीनों नदियां अरब सागर में ही आकर गिरती हैं, लेकिन ये केरल के तट से होते हुए अरब सागर में गिरती हैं। तो तट का भी नाम याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपने देखा लूनी, साबरमती, नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी, शरावती, भरतपुजा, पेरियार और पेम्बा, ये सभी नदियां अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको नोट करेंगे। अब दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन सी नदियां हैं इसको देखेंगे। बंगाल की खाड़ी में अगर आप ऊपर से देखेंगे तो एक नदी आती है दोस्तों हुगली नदी, और हुगली नदी में एक उसकी सहायक नदी है दामोदर नदी, क्योंकि दामोदर नदी दोस्तों जब ये बहते हुए आती है तो ये हुगली नदी में जाकर मिल जाती है और ये नदी दोस्तों यहाँ पश्चिम बंगाल के तट पर जो है आकर बहते हुए
बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक चीज नोट करिए, ये जो दामोदर नदी है ये इसकी लंबाई 541 किलोमीटर है। उसके आगे आएंगे तो एक नदी है स्वर्णरेखा, बहुत ही प्रसिद्ध नदी है। स्वर्णरेखा नदी दोस्तों ये झारखंड से आती है। इसकी लंबाई थोड़ा देखेंगे, ये 433 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके आगे एक नदी आती है बैतरणी नदी। तो बैतरणी नदी भी दोस्तों ये आगे की ओर बढ़ेगी और ये बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। फिर अगली नदी है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी के बाद दोस्तों आती है महानदी, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी है। महानदी की आप लंबाई याद रखेंगे कि इसकी 858 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये दोस्तों डेल्टा का निर्माण करती है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी नदियाँ ऐसी हैं जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ध्यान रखिएगा, महानदी जो है वो डेल्टा का निर्माण करती हैं और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब आपको क्या चीज़ नोट करना है कि आपने देखा कि दामोदर नदी हुगली नदी में आके मिलती है, तो ये पश्चिम बंगाल के तट पर आते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। फिर कुछ नदियाँ दोस्तों जैसे कि स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी, ये भी बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती हैं, लेकिन किस तट से आकर गिरती हैं? तो ध्यान रखिएगा, ओडिशा तट पर, क्योंकि ओडिशा राज्य का जो तट होता है वहाँ से ये सभी नदियाँ आकर फिर ये बंगाल में गिर जाती हैं। फिर आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, एक नदी है बहुत ही प्रसिद्ध नदी है, वो है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये नदी भी दोस्तों डेल्टा का निर्माण करती है। उसके आगे आएंगे तो ये है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी दोस्तों इसकी लंबाई देखेंगे तो 1400 किलोमीटर है और ये भी डेल्टा का निर्माण करती है। फिर उसके आगे एक और नदी है पेन्नार। पेन्नार नदी भी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब आपको नोट करना है कि ये तीनों नदियाँ किस तट से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। तो ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश के तट से, क्योंकि गोदावरी, कृष्णा और पेन्नार ये तीनों नदियाँ आंध्र प्रदेश के तट पर आकर फिर बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर पलार और यहाँ पर है पोइनियार और एक नदी बहुत ही प्रसिद्ध है, वो है कावेरी। कावेरी बहुत ही प्रसिद्ध नदी है, इसकी लंबाई याद रखेंगे 805 किलोमीटर है और ये दोस्तों डेल्टा का निर्माण करती है। उसके बाद एक नदी आती है बैगई और अंतिम नदी होती है दक्षिण भारत में, वो होती है ताम्रपर्णी। ये सभी नदियाँ दोस्तों तमिलनाडु के तट पर आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो आपको नोट करना है दोस्तों कि कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कितनी नदियाँ जो हैं डेल्टा का निर्माण करती हैं और कितनी नदियाँ कौन से राज्य के तट से होते हुए बंगाल या फिर अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो ये दोस्तों भारत की प्रमुख नदियाँ हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।